बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 83 वर्षीय कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और पुत्र विक्रमादित्य को पूछताछ के लिए तलब किया था और इसी मामले में ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज कोर्ट के अंदर इस पर जो है फैसला आया था। तो ये जब ईडी ने इसमें मामले को दर्ज किया था तो मामला क्वैश करवाने के लिए 482 की एप्लीकेशन होती है सीआरपीसी में, उस मामले को दर्ज करवाने के लिए वीरभद्र सिंह जो है सीधा हाईकोर्ट आ गए थे और उसमें जो है ईडी की ये प्ली थी, ये दलील थी कि अभी तो ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे है, अभी तो जांच भी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है और ऐसे में ही ये इस मामले को जो है खारिज करवाने के लिए पहुंच गए हैं, ये गलत है। तो हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके मायने ये है कि जो ईडी की जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो जांच है वो जारी रहेगी। वीरभद्र के पास और क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए, वो ऑप्शन तो है कि अब हाई कोर्ट के बाद आदमी सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, ये एक हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये ऑप्शन हर किसी के पास होता ही है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाए तो वहां से इनको राहत मिल सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ठीक इसी तरह का फैसला आ सकता है जैसे हाईकोर्ट से आया है? देखिए, ये मतलब किसी भी कोर्ट में क्या फैसला आएगा उसमें पहले से चर्चा करना जो है वो अदालत की अवमानना भी हो जाता है। अदालत सुप्रीम कोर्ट पे क्या सुनवाई करती है, वो क्या फैसला देती है, क्या वहां पर हो सकता है, तो उसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए महेश गुप्ता आपका।